वैसे तो दोस्तों यूजी कोर्स में बीए बीएससी बीकॉम के लिए स्पोर्ट एडमिशन की काउंसलिंग के लिए डेट जो है अभी तक नहीं आई है, लेकिन कॉलेज चॉइस फिलिंग जो कि आपको 17 तक लास्ट डेट दी गई थी और आज हो चुकी है समाप्त। तो अब आप कॉलेज मतलब कॉलेज को चुन नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ तक कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट किए थे। मैंने उन सभी का जवाब मेरे ख्याल से दे दिया होगा और आज हो चुकी है डेट खत्म। और दोस्तों आप लोगों के लिए इस वीडियो बनाने का कोई खास मकसद नहीं था, वही घिसी पीटी न्यूज़ ही बताऊंगा, लेकिन हर दिन अपडेट के लिए बहुत ज़रूरी है आपको ये वीडियो देखना, तो शायद देख लीजिए आप लोग कुछ काम में आ सकती है। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं पीपीयू में 6 अन्य विषयों में भी पीएचडी के लिए दी गई है अनुमति। अब ये पीपीयू में पीएचडी के लिए अनुमति किस किस विषय में दी गई है और ये कब से लागू होगा और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देख लीजिए, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए भारी विरोध के बाद 11 विषयों के अलावा 6 अन्य विषयों में भी पीएचडी की अनुमति मगध विश्वविद्यालय से प्रोफेसर पीएचडी कोर्स के लिए उत्तीर्ण छात्रों को दी गई है। ठीक है, इन विषयों में गृह विज्ञान आती है, भूगोल आती है, दर्शन शास्त्र आती है, उर्दू आती है, संस्कृत आती है और समाजशास्त्र इसमें शामिल हो जाती है। और छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं, जिसमें 6 सितंबर तक आपको डेट दी गई है। अर्थात दोस्तों आज हो गई 18 अगस्त, 6 सितंबर से पहले आपको कर लीजिए आवेदन, करना होगा तो करना है, पीएचडी तो यहाँ से आप कर सकते हो। साथ ही साथ 6 उसके बाद, लेकिन इसके लिए कहा गया है साफ साफ, इसके लिए पहले आपको मगध विश्वविद्यालय से ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और 100 रुपये के लिए उसके लिए ऑनलाइन फीस छात्रों को इसके लिए और जमा करना पड़ेगा। इसके लिए आप अगर फॉर्म भरने जाओगे तो वहीं पर आपको नो ऑब्जेक्शन का मिल जाएगा फॉर्म, फॉर्मेट आपको मतलब प्रिंट आउट निकलवा लेनी है, खुद से भर लेनी है, जाकर कोई भी यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पर आपको साइन वन मुहर वन लगवा कर फिर से अपलोड कर देनी है, 100 रुपये का शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। ख्याल रखा दोस्तों, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं कहेंगे तो आप मैं वीडियो दोस्तों बनाकर डाल दूंगा। फिलहाल शुक्र करता हूँ दोस्तों, माफ करना, कि पीपीओ में पीजी में ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त तक आप कर सकते हैं। अब ये क्या चेक करें सुन लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी जरूरी न्यूज है। यहाँ पर पाटलिपुत्रा में जो भी पीजी एमए एमएससी एमकॉम जिनका एडमिशन अब तक नहीं लिए थे, उनको 20 तक मौका दिया गया था एडमिशन लेने का और आज हो चुकी है 18, 19, 20, 2 दिन और मौका है। अगर आप करना चाहते हैं पीजी में एडमिशन तो जाकर जाकर जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, फिर एडमिशन डेट खत्म हो जाएगा और यहाँ से स्पोर्ट एडमिशन वाली और वोकेशनल कोर्स की शुरू हो जाएगी। तो बात करता हूँ यहीं पर, बस आप लोग के लिए काम की खबर है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है कि यूजी में चॉइस फिलिंग समाप्त हो गई है, मतलब कि जो यूजी कोर्स में बीए बीएससी बीकॉम की जो स्पोर्ट एडमिशन की जो डेट थी वो चॉइस फिलिंग समाप्त हो चुकी है और जल्द ही काउंसलिंग की तिथि जारी की जाएगी। मतलब 20 अगस्त के बाद ही आपको जो है उम्मीद रखे आप कि काउंसलिंग डेट दोनों एक साथ आ सकती है, वोकेशनल कोर्स का भी और काउंसलिंग का भी जल्द ही। अब यहाँ पर वोकेशनल कोर्स में कुछ प्रॉब्लम भी है कि वोकेशनल कोर्स में किसी किसी कॉलेज में इंटरव्यू भी ले जाती है, तो शायद मेरे ख्याल से इंटरव्यू का डेट पहले निकलेगा, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तब उसका काउंसलिंग डेट निकले। लेकिन किसी किसी कॉलेज में नहीं भी होती है तो उसके लिए अपडेट आएगी तभी पता चलेगा, जब भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। और यूजी कोर्स का, वोकेशनल कोर्स का जब भी डेट आएगी मैं बता दूंगा, उसके लिए कुछ नहीं करनी है आपको, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेनी है। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, जब तक सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको कोई नोटिफिकेशन मिल पाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रही है उसके बाद घंटे वाले बटन क्लिक कीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहेगी मेरी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के ऊपर में। और दूसरा चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमेशा ये वीडियो आगे बढ़ते रहे। तो लेता हूँ विदा, साथ में मिलता हूँ, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।